लोकसभा चुनाव की तिथि ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां कन्हैया कुमार के पक्ष में फिल्मी सितारों का जमावड़ा बेगूसराय में लगना शुरू हो गया है, वहीं गिरिराज सिंह के पक्ष में देश के विद्वान और लेखक जुटने लगे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम यू कैन विन के लेखक शिव खेड़ा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों, वकीलों एवं बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान शिव खेड़ा ने लोगों से गिरिराज सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। हालांकि इस दौरान शिव खेड़ा ने कन्हैया कुमार के पक्ष में आए मशहूर हस्तियों के संबंध में आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया है। शिव खेड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज बेगूसराय की जनता को निर्णय करना है कि वह एक देश के विरोधी ताकत के पक्ष में है या राष्ट्रभक्त के पक्ष में। शिव खेड़ा ने कहा कि जो लोग अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, वैसे लोगों को संसद भवन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। अब बेगूसराय की जनता को तय करना है कि देश के भविष्य को किसके हाथ में दिया जाए। बेगूसराय से पिंकल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनसीटी लाइव, बेगूसराय। कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आपको वालों की। इंशाल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, क्या मजा है सदस्य है और पूरे घूम रहेगा। बाकी है ये चुनौती हम लोगों को, ये है चुनौती है हम लोगों के सामने। और जीत ही हमारा लक्ष्य है, जीत ही हमारा लक्ष्य। से अच्छा कोई नहीं, उनमें सच्चाई भी है, अच्छाई भी है और हिम्मत है, हौसला है। एक संदेश यही लेके आया हूं कि हम लोगों को एकजुट होके देश के लिए खड़े होना है, अच्छा लीडर चुनना है। मेरे हिसाब से आज यहां पे गिरिराज जी जैसे अच्छा लीडर कोई नहीं है, जिनके अंदर सच्चाई भी है, अच्छाई भी है और हिम्मत और हौसला भी है, तो अच्छाई और सच्चाई को लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का। अगर हिम्मत नहीं है तो सच्चाई अच्छाई वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उसका। जो इंसान ये नारे लगाता है जेएनयू में बैठ के, अफसर तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा हैं, आप बताइए क्या ऐसे आदमी को आप देश के अंदर एक सांसद लेना चाहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे आदमी को चुनना चाहेंगे आप? जो आदमी पाकिस्तान के झंडे फहराता है, क्या आप ऐसे आदमी को चुनना चाहेंगे इस देश में? और मैंने ये भी देखा है कोई लोग मुंबई से बहुत बड़ी टीम आई हुई है यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए, और बड़े बड़े कुछ नाम है वहां पे। मैं तो हैरान होता हूं कि ऐसे लोग जो देश की बात करते हैं, देश के खिलाफ सपोर्ट भी कर रहे हैं इन लोगों, तो मेरी समझ में नहीं आती कि ये कैसा दोगलापन है, कैसा दोगलापन है जो मुंबई से आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं।